तो बस अभी मैं हूँ किचन में और दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है। बस अभी मैंने इसको ढक कर रख दिया है और मैं अभी कर लेती हूँ अपने पीने के लिए पानी गरम, क्योंकि इस टाइम पे मैं गरम पानी पी रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। मतलब तो उस पानी मैंने गैस पे बॉईल होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी में पीऊँगी, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो थोड़ा सा भारी पानी है। मतलब उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये बनाए हैं मैंने चावल। दाल है और रोटियां भी हैं इसमें अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी है मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन और मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे खेल रही थी गेम, जो कि मेरा आजकल बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया है। और आप लोगों को पता है कि मेरा जो फेवरेट गेमिंग ऐप है वो है एमपीएल, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली जी। और इस गेम को साइन अप करने के बाद में आप लोगों को 10 रुपए का बोनस मिलता है। और इस गेमिंग ऐप में बहुत सारे गेम है, जैसे कैरम है, पबजी है, लूडो है, इटी से बहुत सारे ऐसे गेम है जिन्हें खेलकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं ये गेम खेल रही हूँ, मैंने बहुत सारे पैसे कमा भी लिए हैं। तो मैं इन पैसों को अपने पेटीएम एंड यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करवा सकती हूँ। तो इट इज़ अ जेन्युइन एंड सेफ गेमिंग ऐप है और आप लोग इसे इंस्टॉल कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, इंजॉय कीजिए इस गेम को और पैसे कमाइए घर बैठे। तो बस अभी मैंने नहाया नहीं है, बस अब मुझे नहाना बाकी रह गया है, बाकी सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह जमा दिए हैं तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और बस ये पानी पीने के बाद मुझे नहाना है। तो आज है संडे और आप लोगों को पता है कि आज पापा का ऑपरेशन होना था आँख का, तो वो अभी चले गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने रात में ही पूछ लिया था कि पापा कितने बजे बुलाया डॉक्टर ने, क्या बात हुई है उनसे। तो उन्होंने बताया था कि 10 बजे बुलाया है सुबह में और ये बोला है कि खाना खाकर आना है, और मतलब बस 1-2 घंटे में वो छुट्टी भी कर देंगे, ये भी बोला है उन्होंने। 10 बजे का वैसे बोला था पापा ने कि 10 बजे जाना है डॉक्टर के पास। तो बाजी ने लौकी की सब्जी बना दी थी और रोटियां बना दी थी, तो पापा नाश्ता कर गए हैं और भैया भी उनके साथ में गए हैं। और फिर अभी बस मैंने उसी के जस्ट बाद खाना बना दिया था, दाल चावल और रोटी, तो ये भी अभी खाना खाकर चले गए हैं। और अभी मैंने बात की तो अभी पापा को बस ऐसे ही लिटाल दिया गया है, मतलब ड्रॉप वगैरह डालकर, मतलब अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने। और ये दोनों लोग बाहर बैठे हुए हैं। बस यही सारी बातें हुई हैं, बस दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि बस पापा का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए, उनका अच्छे से हो जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनको बाद में। बस वही मैं इनसे फ़ोन लगा कर अभी पूछ रही थी, क्या हुआ पापा का, अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है या नहीं किया है? तो वो बोल रहे थे अभी नहीं किया है अभी। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, अभी हमारा घर पूरा खाली खाली सा हो गया है। और मम्मी की कुछ वीडियो क्लिप हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और जब भी मैं ऊपर से नीचे आती थी सुबह, तो मम्मी कभी बाथरूम में जाते हुए, कभी ब्रश करते हुए, कभी कुछ करते हुए, मतलब दिखाई देती थी वो हमेशा। और जब हम लोग नाश्ता करते थे तो उससे पहले मैं पूछ लेती थी कि मम्मी नाश्ते में क्या बनाना है आपके लिए, तो वो जो कहती थी वही मैं बना देती थी उनके लिए, क्योंकि फिर उनको दवाई वगैरह लेनी होती थी।
तो इसलिए उनको टाइम से ही देना पड़ता था नाश्ता वगैरह। और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें ही हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि खाने में क्या बनाना है और कौन क्या चीज़ पसंद करता है। तो वो मम्मी बता देती थी कि इसको इस सब्ज़ी को इस तरीके से बना लेना और मैं बता दूँगी साथ में, तो सीख लेना। तो बस वही सारी बातें होती रहती थी हम लोगों की, और बाजी वगैरह भी आके बैठ जाती थी इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब मम्मी और हम लोग साथ में नाश्ता करते थे। घर पे मेरा भी साथ में ऐसा होता था कि मैं अपनी मम्मी के साथ में ही नाश्ता वगैरह करती थी। और ये जो आप लोग देख रहे हो, तो मम्मी के बालों में मेहंदी लगा रही हूँ यहाँ पे। और जब मैं अपने घर गई थी माइक के, उससे पहले मैं मम्मी के बालों में मेहंदी लगा कर गई थी। आप लोग देख रहे हो कि जो मम्मी का जो बैठक है, फर्स्ट रूम है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे रहते हैं, तो यही मम्मी को ज़्यादा पसंद था क्योंकि यहाँ पे सामने से ही धूप आ जाती थी, रोशनी आती थी, तो अच्छा लगता था मम्मी यहीं पे बैठ के। और यही एक इनका जो सिंगल वाला सोफ़ा है, यहाँ वो बैठती थी हर रोज़ हर दिन। और यहाँ पे बैठ के सब्जी काटना या कोई भी कुछ काम होता था, बोल देती थी कि मुझे दे दो, लाओ मैं काट देती हूँ सब्जी वगैरह, या प्याज लहसुन मैं छील देती हूँ। तो मतलब हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है, हर चीज़ में हम मेरे साथ में रहती थी, हम सभी लोगों के साथ में, तो अच्छा लगता था। और ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब चूल्हे पे खाना बनाया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बनाया था चिकन, वो मम्मी ने ही बनाया था चूल्हे पे, क्योंकि मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है। और मम्मी बोलने लगी थी लाओ मैं बना दूंगी। और उस टाइम पे जिस टाइम पे हम लोगों ने ये खाना बनाया, तो उस टाइम पे एकदम से बारिश भी हो गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। और ये हम सभी लोग जब बैठ के साथ में खाना खाते थे, एक साथ में दस्तरखान लगता था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मम्मी के साथ में। मम्मी वैसे ज़्यादातर हरी सब्जियाँ ही पसंद करती थी, ये चिकन मटन वगैरह मसालेदार सब्जियाँ पसंद नहीं करती थी। तो वो बाजी से यही बोल रही थी कि थोड़ा सा ही देना मुझे, वो मसाले वाली सब्जियां पसंद नहीं करती थी, हरी सब्जी उनको ज़्यादा पसंद होती थी। तो जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खाते थे माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब फैमिली का एक मेंबर कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उस चीज़ का। ये मम्मी ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ में कैरम खेला था, मम्मी को कैरम खेलना नहीं आता और ना ही मम्मी ने कभी कैरम खेला था। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हमारे साथ में खेलो एक बार, क्योंकि हम लोग खेलते रहते थे ऐसे, घर में बच्चे आ जाते हैं जैसे शबनम बाजी के बच्चे आ जाते थे, या फिर सानिया वगैरह रहती थी बाजी के बच्चे थे, उस टाइम पे हम लोग कैरम खेल लेते थे। तो मम्मी का भी मन होता था थोड़ा सा, कि मम्मी बोलती थी मैंने कभी नहीं खेल रहा है पहले से, तो मैंने एक बार बोला मम्मी हमारे साथ में खेल लो। तो उस टाइम पे मम्मी ने ये पहली बार हमारे साथ में कैरम खेला था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मम्मी की रह रह के याद आती हैं। और ये लास्ट शादी जिस टाइम पे मम्मी हमारे साथ में गई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मम्मी को हर शादी में जाने का शौक़ था, रखती थी वो शादी में जाने का शौक़। बस यही यादें हैं मम्मी की जो हमेशा हमारे साथ में रहेंगी, उनकी बातें, उनकी हर एक एक चीज़ जो हमें याद है, जो हमारे साथ में हुआ है, वो तो ज़िंदगी भर बनी ही रहेंगी। लेकिन बस अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अता फरमाए और उनको जन्नत में अला से अला मुकाम अता फरमाए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, शाम के 5 बज रहे हैं, तो पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है एक साइड में, और एक साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो शाम को पापा जी के लिए पानी गर्म रख देते हैं, क्योंकि वो गर्म पानी ही पीते हैं इस टाइम पे अभी। और पापा चाय कभी कभी पीते हैं, तो हम लोग पूछ लेते हैं उनसे कि चाय पियेंगे या फिर नहीं, क्योंकि डेली में वो अभी चाय नहीं पीते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनका मन होता है तब वो चाय के लिए बोल देते हैं, जब मन नहीं होता है तो वो मना कर देते हैं चाय के लिए। वैसे सुबह में तो डेली ही पीते हैं, लेकिन शाम में कभी कभी चाय की बोल देते हैं, तो हम लोग उनके लिए बना देते हैं। तो मम्मी के जाने के बाद से पापा जी हमारे थोड़े अपसेट से रहते हैं, मतलब उनको अच्छा, और हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मतलब उनके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि पापा जी खुश रहें, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनका सुख दुख बांटना, बस यही कर सकते हैं, और बस हमारे हाथ में तो यही है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पापा जी मतलब अकेले ना रहें, उनके साथ में बैठे रहें, हम लोग भी उनसे बातें करते रहें, जिससे उनका जो माइंड है, जो सोचते रहते हैं, वो थोड़ा अलग ध्यान जाए, उनका खुश रहने लगें।
तो मतलब ये होता है ना कि परिवार में एक पर्सन के जाने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब जो पूरा परिवार होता है वो बिखर सा जाता है, क्योंकि वो वही एक संभालने वाला होता है, एक माँ ही सबको संभालने वाली होती है, अगर वही चले जाए तो मतलब पूरा घर एकदम से टूट सा जाता है। तो इसलिए हम लोग भी पापा जी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं उनको, कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें। और एक और सुनाओ, वो वाली सब्जी वाली कौन सी थी? आलू कोला को खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक वाली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दूंगी। वो भी तुम अपने बाप कूट वाले हो जाओगे। हाँ, और एक और सब्जी वाली, एक और सब्जी वाली कौन सी थी? तो सुनिए आप लोगों ने आलिया की पोएम, जो कि माशाल्लाह से आलिया हमारी अब बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। और जब वो स्कूल नहीं जाती है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगती है। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, घर में कोई साथ में खेलने वाला नहीं होता है, बस इसलिए बच्चे थोड़े से चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो उसको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि तो जब स्कूल जाती है तो उसको अच्छा लगता है, ट्यूशन जाती है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स मिलते हैं छोटे छोटे उसके क्लास के, तो वो खुश रहती है स्कूल जाने से। अभी मैं शाम का टाइम है तो पापा जी के लिए दलिया बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने उनको दलिया के लिए ही बोला है, और वो भी बिना घी का, बिना नमक का, बिना शक्कर का, ऐसे ही सिंपल दलिया खिलाना है उनको, सिर्फ दूध डाल के। और मैं जब दलिया भून रही थी उसमें भी मैंने घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस पानी में बॉईल करके ऐसे ही बना रही हूँ। ये थे मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आया जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।